ओरिजिनल शुरुआत हमने की ये उज्जैन के बाद बाकी क्षेत्रों में भी क्रमशः बनती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। और सरकार के लिए जो हमारे अपने मध्यप्रदेश की तासीर है, हमारी कृषि विकास दर तो 25% से आगे चली गई है, उद्योग में भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी और अच्छी स्थिति बने, जो अभी हमारा आंकड़ा है उसको हम डबल पे पहुंचा है। ये प्रयास करने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया था और इस आयोजन को विक्रमोत्सव का एक हिस्सा बनाया। जैसा आप जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव बीते 18 साल से लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन विक्रमोत्सव में विक्रमोत्सव का भी आनंद लें, लेकिन वहाँ हमारे अपने उद्योग के निवेश की बात भी हो। अलग अलग प्रकार से विक्रमादित्य के काल में ये सारी व्यवस्था सुशासन के नाते जारी रही, इसलिए वैदिक घड़ी का भी हमने इसी में कार्यक्रम किया। तो अभी आज पीएम श्री एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है, ये सुविधा एक अपने आप में पूरे लिए बहुत अलग हटके भी है और यूनिक भी है। जहाँ क्रिटिकल ऐसे मरीज जिन मरीजों को उच्चतम कहीं उनकी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर के परामर्श के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा सुविधा में मदद करना है सरकार का उत्तरदायित्व है, इसलिए आज हमने इसको प्रारंभ करने का निर्णय किया है। मैं आज के अवसर पर ये कुछ लिटरेचर आपको मैं दिलवा दूंगा जिसमें अलग अलग प्रकार से इसमें लिखा है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है एक और दो तारीख की इस 2 दिवसीय समिट में 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए हैं। ये इकाइयाँ राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। राज्य के 283 बृहत एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1,250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए हैं। अदानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उनने घोषणा की है। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1,250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। LTI माइंडट्री के मध्यप्रदेश शासन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और IT की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। 20 से अधिक औद्योगिक समूह द्वारा 1-to-1 बैठक की गई है। 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। 880 इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया है। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है, हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी निवेश की संभावना है, वो सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के ODOP और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफ़ी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के अवसर पर जो 2,500 से ज़्यादा हमारी ये बैठकें हुई है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सकारात्मक आएगा। इस आशा पर के साथ मैं माननीय अर्जुन मेघवाल जी को ये माइक देता हूँ, वह अपनी कुछ कानूनों को जो हमने समाप्त किया थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देंगे। माननीय अर्जुन